दोस्तों अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग फाइनेंस में बाइक लेते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो फाइनेंस पर हो जाए। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हुंडा SP 125 को आप फाइनेंस में कैसे लें। इसका मैंने वॉक ग्राउंड रिव्यू करके अपने चैनल पर डाला है, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस के बारे में। तो हमारे यहाँ इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है फ्रेंड्स 1,10,000 के अप्रॉक्स में। और हम इस पर लेके चलेंगे फ्रेंड्स कि फाइनेंस में कैसे लें। तो जैसे 1,10,000 इसका प्राइस है और हमने डाउन पेमेंट किया फ्रेंड्स 40,000। अब जो बचा हुआ राशि रह गया फ्रेंड्स कितना है 70,000। और 70,000 में कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो बैंक हो या फिर प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, तो वो प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। वो कितना लेती है फ्रेंड्स 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, चाहे वो 70,000 हो या 80,000 हो। और 90,000 या 1,00,000 हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, 7,000-8,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे 5,000। अब 70,000 को प्लस कर दीजिए फ्रेंड्स 5,000 से, तो हो जाती है टोटल राशि कितना 75,000। और 75,000 में फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट 10% लगेगा। मैंने अप्रॉक्स 10% लेके चला है और मैंने जहाँ तक देखा है फ्रेंड्स 8% से लेकर 14% तक इंटरेस्ट लगता है। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में 10% लेके चला है, तो 10% का जो इंटरेस्ट निकल के आता है फ्रेंड्स वो होता है 7,500। और एक साल की यदि आप कराते हैं तो एक साल का जो फ्रेंड्स 7,500 इंटरेस्ट हो गया है वो 75,000 को फ्रेंड्स आप प्लस कर दीजिए 7,500 से, तो हो जाता है 82,500। अब 82,500 को फ्रेंड्स एक साल में डिवाइड कर दीजिए, यानी 12 महीने में आप डिवाइड कर दीजिए, तो वो जो निकल के आता है फ्रेंड्स EMI आपको 6,875 रुपया हर मंथ आपको पे करनी पड़ेगी। कितने महीने तक? 12 महीने तक। अब दोस्तों आप 2 साल का कराएंगे तो इंटरेस्ट आप डबल कर दीजिए, 82,000 में आप 82,500 में 7,500 ऐड कर दीजिए, तो टोटल अमाउंट आ जाता है फ्रेंड्स 90,000। अब 90,000 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल के EMI आएगा फ्रेंड्स, आप डिवाइड करेंगे तो 3,700 कुछ रुपया आपको EMI पे करनी पड़ेगी 24 मंथ तक की। और फ्रेंड्स यदि आप 3 साल का कराएंगे तो और भी आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप 2 ही साल का कराएंगे। वैसे आप फाइनेंस में बाइक लेना पसंद करते हैं या कैश में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए और आगे समझ लेते हैं। यदि आप 3 साल का कराते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। और फ्रेंड्स अब टोटल अमाउंट आपको कितना पड़ जाएगा यदि आप 2 साल का कराते हैं, तो इधर से हो गया फ्रेंड्स टोटल अमाउंट 90,000 और आपने डाउन पेमेंट किया था कितना 40,000। आप प्लस कर दीजिए तो 90 प्लस 40, तो फ्रेंड्स वो हो जाता है 1,30,000। 1,30,000 फ्रेंड्स आप 2 साल का कराते हैं और प्लस में प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 एंड इंटरेस्ट आपको 10% लगता है। और कितना का फाइनेंस होता है फ्रेंड्स 70,000 का फाइनेंस होता है। तो टोटल पैसा आपका कितना लग गया फ्रेंड्स, आपने समझा नहीं समझा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने पूरा समझाने की कोशिश की इस वीडियो में, अब तक आपने नहीं समझा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यानी 1,30,000 आपका टोटल पैसा लग जाएगा 2 साल का किस्त कराएंगे तो। और ऐसे में आपको कैश में लेते हैं तो फ्रेंड्स कितना पड़ता है 1,10,000 आपको इंटरेस्ट और ये प्रोसेसिंग चार्ज में लगता है। तो फिर मिलता हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में। 3 साल का कराओगे या 2 साल का कमेंट करके बताना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।